ये है हमारा गोल्डन जुबली थिएटर वाला, ठीक है। एंड देयर इज़ अ शॉर्टकट, यू नो, देखो गोल्डन जुबली लेक्चर थिएटर, देट इज़ अ शॉर्टकट। यहाँ से सीधे, यहाँ सीधे डिपार्टमेंट वाला रोड भी जाता है। इन द हेरिटेज बिल्डिंग हमें तो जगह नहीं मिला है, बट यहाँ पे है डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग एंड अगेन डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग। यू कैन क्लोजली सी हेरिटेज बिल्डिंग, ये है डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग। यहाँ से अभी मैं सीधे जाने वाली हूँ, आपको पीछे का बैकग्राउंड दिखाई पड़ेगा बिकॉज मैं फ्रंट कैमरा से व्लॉगिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये है डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग, ठीक है, ये डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग है। आगे आई थिंक डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी भी है। ये है डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड जियोलॉजी, ठीक है, या तो मैं ही दिख सकती हूँ या तो डिपार्टमेंट दिख सकता है, बट ऐसे करके दिख सकता है। ये है डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी, ठीक है। हमारा सुंदर सा बड़ा सा गार्डन जहाँ पे मैं पहली बार जा रही हूँ, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे रिपब्लिक डे पे जब आने का मौका मिलता है तो मैं सो जाती हूँ। So after roaming this garden and department of geology, we are heading towards pata nahi kya department of geology ke paas bhi ek ATM machine hai wahan pe। जहाँ पे कैश नहीं रहता है कभी, ठीक है। एंड यहाँ पे स्ट्रेट यू कैन सी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, ये है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। और वो वाली जो रोड है, वो वाली रोड गर्ल्स हॉस्टल की तरफ जाती है। ये है जियोलॉजी डिपार्टमेंट का पिछवाड़ा, बैक साइड, ओके। यहाँ से हम लोग स्ट्रेट जाएंगे तो हमें ये जो वाइट वाली बिल्डिंग है ना, ये भी आई थिंक एडमिनिस्ट्रेशन ही बिल्डिंग है, मुझे इसका नाम नहीं पता क्योंकि उस पर नाम लिखा भी नहीं हुआ है। ये तो डेफिनेटली पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ पे भी एक गार्डन है। जस्ट बिसाइड एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग आओ, इन फ्रंट ऑफ ओपल हॉस्टल वी हैव मेन कैंटीन। थैंक यू लाइट मारने के लिए। ये है हमारा मेन कैंटीन और सामने ओपल हॉस्टल जहाँ पे PhD स्कॉलर्स रहते हैं और वो मुझे घूर घूर के देख रहे हैं। ये है हमारा मेन कैंटीन एंड ये है ओपल हॉस्टल, ये पूरा ओपल हॉस्टल। एंड ये शॉर्टकट है जहाँ से हम लाइब्रेरी की तरफ जाएंगे। ये है वो खुफिया रास्ता जहाँ से लाइब्रेरी की तरफ जाया जाता है ओपल हॉस्टल से, बट वहाँ पे एक ताबूत भी रखा था। ये है लाइब्रेरी इतनी बड़ी, जिसका पता नहीं, ग्राउंड फ्लोर पे कुछ भी नहीं है, सेकंड फ्लोर पे एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, सेकंड थर्ड फ्लोर पे हम लाइब्रेरी में जा सकते हैं, बट फोर्थ फ्लोर रात के 12 बजे तक खुला रहता है। एंड यहाँ पे फूड कॉर्नर्स। और वहाँ पे जाने पे बॉयज़ हॉस्टल्स, यहाँ पे जाने पे आपको सिर्फ बॉयज़ हॉस्टल्स दिखाई पड़ेंगे। इस रो में खाने की भी जगह है क्योंकि बॉयज़ हॉस्टल के पास ही सारे खाने का सेंटर्स। अभी सारे बच्चे छुट्टी पे हैं तो यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है,
बट रात के टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। तो ये है हमारा, पता नहीं, अगेन आई डोंट रिमेम्बर। वहाँ पे ये एमराल्ड हॉस्टल है जो कि मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है और मैं जा भी नहीं सकती क्योंकि वो लड़कों का हॉस्टल है। बगल में हमारे NLHC है। यहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट है और ये आई थिंक पूरा एमराल्ड हॉस्टल है। इसके आगे एम्बर है जहाँ पे वो कार गया। तो ये वाला जो रोड है वो एम्बर हॉस्टल की तरफ जाता है और इसे हम एम्बर ग्राउंड कहते हैं, जो कि यू हैव सीन इन माई ब्लॉग्स एवरी टाइम आई यूज टू से एम्बर ग्राउंड। तो यही है हमारा वो एम्बर ग्राउंड। एंड स्ट्रेट वेज वी हैव सैक बिल्डिंग। स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर यू हैव क्या कहते हैं उसको अरे यार सुविधाएं इन स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर यू हैव सुविधाएं लाइक स्विमिंग एंड बैडमिंटन एंड एवरीथिंग। यहाँ से ये पीछे ये वाला बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग स्विमिंग जाते हैं। मैं नहीं जाती हूँ बट जिसको स्विमिंग जाना है वो जाता है, ठीक है। यहाँ पे साइकिल स्टैंड भी है, ये है साइकिल स्टैंड। तो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर। तो ये सामने हॉस्टल है स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर के, ये टोपाज है और इसके आगे थोड़ा जाएंगे तो सफायर है। मे बी यू हैव सीन सफायर हॉस्टल इन माई होली वाला व्लॉग जो मैंने लास्ट ईयर पोस्ट किया था, उसको जाकर देखना तो तुमको पता चल जाएगा कि सफायर हॉस्टल यहीं पे आ गया है। जो भी चीज़ों का मैंने नाम लिया है आई विल लिंक दैट इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो एंड गिव इट अ वॉच टू दैट वन। वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द लास्ट वे टूवर्ड्स NLHC देन डिपार्टमेंट होते हुए मैं अपने हॉस्टल चली जाऊँगी। NLHC जहाँ पर हमारी क्लासेस होती हैं, न्यू लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स। यहीं पे हमारा फर्स्ट डे जब मैं आई थी फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तब यहीं पे हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था। सो ये है हमारा लेक्चर हॉल जो भूल भुलैया है, विच आई हैव मेंशनड इन माई लास्ट वीडियो आई थिंक। सो यू कैन गो एंड गिव इट अ वॉच टू दैट वन ऑल्सो। ये है सेंट्रल वर्कशॉप EDC के पहले एंड इसके बाद है OLHC। ये अंकल ने हड़काया है मेरे को बट कोई बात नहीं, हम बुरा नहीं मानेंगे। ये है OLHC ओपन लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स, आई थिंक यही है इसका पूरा नाम। यहाँ पे फंक्शंस होते हैं, यहाँ पे भी क्लासेस होती हैं और यहाँ पे भी एग्ज़ाम्स होते हैं एंड यहाँ पे भी छोटा सा गार्डन टाइप का बना हुआ है। और उसके बाद आता है हमारा अगेन डिपार्टमेंट वाला रोड। सो इफ़ यू रिमेम्बर कि ये हमारा डिपार्टमेंट वाला रोड हम लोग घूम फिर के आ गए हैं। हमारे डिपार्टमेंट वाले रोड में मैंने कुछ डिपार्टमेंट्स को स्किप कर दिया था, सो वी आर गोइंग टू सी दैट एंड आफ्टर दैट जो बचा कुछ पोर्शन है यू विल सी दैट। वैसे तो इतने अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है और मुझे खुद भी नहीं पता है कि ये कौन सा डिपार्टमेंट है। हाँ, ये आई थिंक फ्यूल मिनरल एंड मेटलर्जी वाला डिपार्टमेंट है जहाँ तक। यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड माइनिंग मशीनरी का डिपार्टमेंट है। इसके बाद आता है
फ्यूल मिनरल वाला डिपार्टमेंट इस रोड पे, ठीक है। देखो यहाँ पे इसके बगल में है डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूल मिनरल मेटलर्जी, और यहाँ पे है मेरा इन्वायरमेंट साइंस इंजीनियरिंग वाला डिपार्टमेंट। स्ट्रेट रोड पे स्ट्रेट जाएंगे तो हेल्थ सेंटर मिल जाएगा। I've never seen me. Actually, they have never seen me.